Good morning dear student and welcome back to my YouTube channel Let's Discuss। प्यारे student, आज हम पढ़ने और समझने वाले class 9th का subject social science and worksheet number 3 and this worksheet for 13th of April 2021। So चलिए हम start करते हैं chapter number 1st का। आज 3rd worksheet है और आज के बाद finished हो जाएगा ये chapter, ठीक है। तो चलिए the French Revolution, how France become the Republic, यानी फ्रांस सीसी क्रांति में हम आज पढ़ेंगे फ्रांस कब रिपब्लिक बना, ठीक है, कैसे रिपब्लिक बना और फ्रांस के रिपब्लिक होने के साथ साथ रीजन क्या थे, राइट। फेस्ड विद द पावर ऑफ द हिज रिवोल्टिंग द सब्जेक्ट लुइस 16th फाइनली अकॉर्डेड रिकॉग्निशंस टू द नेशनल असेंबली एंड एग्री टू मेक द कॉन्स्टिट्यूशंस। और लास्ट में जो लुइस 16वां था वो एग्री हो गया नेशनल असेंबली बनाने के लिए टू मेक ए कॉन्स्टिट्यूशंस और साथ साथ में कॉन्स्टिट्यूशन भी बनाने के लिए। ऑन 4th अगस्त 1789 ऑल द फ्यूडल सिस्टम ऑफ ऑब्लिगेशंस एंड द टैक्सेस वर एबॉलिश। और 4th अगस्त 1789 को सारे टैक्स वगैरह जो है ना ख़त्म कर दिए गए, ठीक है, और वो मान लिए गए। चर्चेस प्रॉपर्टीज वर कन्फिस्केटेड। द नेशनल असेंबली ड्राफ्टेड टू द कॉन्स्टिट्यूशंस इन द 1791 एंड डिस्ट्रीब्यूटेड द पावर ऑफ किंग टू इन टू द लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशियरी। और उसके बाद जो है ना किंग का जो पावर है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया तीन पार्ट में, लेजिस्लेचर के, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी के रूप में, जैसे हमारे देश में है डियर स्टूडेंट। हाउएवर वोटिंग वॉज रिस्ट्रिक्टेड टू ओनली मैन हु एज्ड अबव 25 ईयर। और वोटिंग फिर भी रिस्ट्रिक्टेड था, केवल वही पुरुष व्यक्ति वोट दे सकता है जो 25 ईयर से एबव वोट, ठीक है। एंड कुड पे टैक्सेस इक्वल टू एटलीस्ट 3 डेज ऑफ द लेबर। और जो 3 दिन का कम से कम जो है ना क्या कर रहा हो, टैक्स पे कर रहा हो वेज पे। एंड वर कॉल्ड द एक्टिव सिटीजन, आप वही कहलाते थे एक्टिव सिटीजन, राइट। पॉलिटिकल क्लब्स बिकम ए रैलिंग पॉइंट फॉर द डिस्कशंस ऑन गवर्नमेंट पॉलिसीज इन द विच द जेकोबियंस क्लब इमर्ज एज द मोस्ट फेवरेट। देयर लीडर वॉज द मैक्सिमिलियंस रॉबेस्पियर्स एंड दे वर कॉल्ड द सेंस क्लोटेज मीनिंग्स विदाउट द नीज ब्रीचेज। दे ऑल्सो वर रेड कैप। द मेंबर ऑफ द जेकोबिन क्लब मेनली बिलोंग्स टू द लेस प्रोस्पेरस सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। यानी जो जेकोबिन क्लब का जो डी एड स्टूडेंट जो मेंबर था ना वो कम, वो काफ़ी अच्छे लोग तो नहीं थे, लेकिन फिर भी सभी लोग थे जो थर्ड स्टेट के लोग थे उसमें से। आप देख सकते हैं जैसे स्मॉल शॉपकीपर था जो कोबिन क्लब का मेंबर, आर्टिशियंस था एज वेल एज सर्वेंट एंड डेली वेजेस वर्कर, जो डेली काम करने वाले जो मजदूर है वो थे, आर्टिशियन थे, सर्वेंट थे, राइट। ऑन द 10th अगस्त 1792 द जेकोबियंस प्लान एंड इंसरेक्शंस एंड द इम्प्रिजन्स द किंग। और 10th अगस्त 1792 को जेकोबियन को मतलब फांसी की सजा दे दी गई, मतलब ये उनको इम्प्रिजन सजा दे सुना दी गई, ठीक है। न्यू इलेक्शंस वर हेल्ड इन विच ऑल द मेल हु वर द मोर देन 21 ईयर एज वर गिवेन वोटिंग राइट। और जो 21 वर्ष से ऊपर थे सभी लोगों को वोटिंग का राइट वहाँ मिल गया। दिस न्यू असेंबली वॉज नेम एज द कन्वेंशन। और उस नए असेंबली का जो नाम था कन्वेंशन, ऑन 21st सितंबर 1792 द कन्वेंशन एंडेड द मोनार्की सिस्टम। और वो जो राजाओं का जो शासन था उसको कम कर दिया गया और समाप्त कर दिया गया। एंड द फ्रांस वॉज द डिक्लेयर एज द रिपब्लिक, और फ्रांस को रिपब्लिक घोषित कर दिया गया। लुई 16वां वॉज सेंटेंसेड टू डेथ, और लुई 16वां को जो है ना क्या कर दिया गया, डेथ के लिए, मतलब उसको जो है ना क्या कर दिया जाएगा, फांसी पर चढ़ा दिया गया, ठीक है। ट्रेजन एंड द वॉज पब्लिकली एग्जीक्यूटिव ऑन द 21st ऑफ जनवरी 1793 को उसको फांसी की सजा पे पब्लिक के पास उनको क्या किया गया, पब्लिक के बीच में रख दिया गया, ठीक है। अब हम देख रहे हैं डियर स्टूडेंट इसमें कुछ क्वेश्चंस है, बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चंस है,
चलिए इस सभी क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं. व्हेन वाज द फ्यूडल सिस्टम एंडेड इन फ्रांस, फ्रांस में फ्यूडल सिस्टम कब एंड हुआ था. हाउ डिड द नेशनल असेंबली डिस्ट्रीब्यूटेड द पावर ऑफ द किंग, और कैसे नेशनल असेंबली ने पावर ऑफ किंग को डिस्ट्रीब्यूट किया था. और हाउ वॉज द वोटिंग राइट गिवन बाई द नेशनल असेंबली डिफरेंट फ्रॉम द रिप्रेजेंट डे यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, और हु वॉज द लीडर ऑफ द जेकोबिन क्लब्स, हु वर द मेंबर ऑफ द दिस क्लब, एंड द वेन डिड द फ्रांस बिकम द रिपब्लिक. ओके डियर स्टूडेंट, तो चलिए इस सभी क्वेश्चन का आंसर देखते हैं. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, वेन वॉज द फ्यूडल सिस्टम एंडेड, वेन वॉज द फ्यूडल सिस्टम यहाँ है जो डियर स्टूडेंट एंडेड होगा, यहाँ पे आप एंडेड कर लेंगे, एंडेड ये बी नहीं होगा, इन फ्रांस. ठीक है, तो ऑन 4 अगस्त 1789 को ये हो गया. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डिड द नेशनल असेंबली डिस्ट्रीब्यूट द पावर ऑफ द किंग, तो पावर ऑफ द किंग को नेशनल असेंबली ने कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया. द नेशनल असेंबली डिवाइडेड द किंग्स पावर इंटू 3 पार्ट्स, फर्स्ट लेजिस्लेचर, ठीक है, जो लेजिस्लेटर लॉ यानी कानून बनाता है, ठीक है, जुडिशियरी जो उसकी जो है ना रक्षा कर, वो एग्जीक्यूटिव जो रक्षा करता है, जुडिशियरी जो न्याय देती है, ठीक है, जो हमें जस्टिस देती है, प्रोवाइड करती है, राइट. नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड, हाउ वॉज द वोटिंग राइट बाई द नेशनल असेंबली डिफरेंट फ्रॉम द प्रेजेंट डे यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज. नेशनल असेंबली का जो वोटिंग राइट है प्रेजेंट डे के कैसे डिफरेंट है. द राइट टू वोट वॉज गिवन बाई द नेशनल असेंबली टू ओनली द मैन ओवर द एज ऑफ 25 ईयर के जो ऊपर के लोग थे उनको ही वोट देने का राइट था. एंड पे टैक्सेज इक्वल टू द 3 डेज वेजेस, और 3 दिनों का जो है ना 3 दिनों तक का जो वो अपना वेजेस का जो वो कम से कम एटलीस्ट का वेज का जो वो टैक्स चुकाता था. वेयर इज द अंडर द यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज ऑल पीपल हैव बीन द गिवन द राइट टू एन इक्वल वोटिंग विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, चाहे वो किसी भी रिलीजन का हो, किसी भी कल्चर का हो, राइट, तो उन सबको वोटिंग का राइट मिल जाता है. एंड नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस क्वेश्चन नंबर 4th, एंड दिस क्वेश्चन नंबर 4th इज टू इम्पोर्टेंट. हु वॉज द लीडर ऑफ द जेकोबियन क्लब, हु वर द मेंबर ऑफ द दिस क्लब, द मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर, मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर वॉज द लीडर ऑफ द जेकोबियन क्लब. यह मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, ठीक है. द मेंबर ऑफ द इस क्लब्स वर मेनली स्मॉल शॉपकीपर्स, आर्टिसियंस, सर्वेंट एंड डेली वेजेस वर्कर, यानी डेली लेबरर्स. ओके डियर स्टूडेंट, फ्रेंड्स अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए ताकि आपको जब भी मैं वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए. ओके डियर स्टूडेंट, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि 1 से 2 दिन पहले इस चैनल पे वर्कशीट प्रोवाइड कर दी जाती है, और ताकि आप अपने एनसीईआरटी बुक को बेहतर तरीके से पढ़ाई करते रहे एनसीईआरटी के साथ, राइट. तो चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं डियर स्टूडेंट. व्हेन डिड फ्रांस बिकम रिपब्लिक, द फ्रांस ऑन द 21st September 1792 को फ्रांस रिपब्लिक हो गया, राइट. तो थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग.